मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस में हम लोग कुछ पहले पढ़ चुके थे क्लास में, स्टडी कर चुके हैं इसका टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन फंडामेंटल क्लियर कर चुके हैं हम लोग को। जो पॉइंट जो हम लोग को स्टार्ट करना था वो हम लोग को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। कौन मैट्रिक्स पढ़ना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ना है। हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कुछ लिखते हैं, केसन ऑफ मैट्रिक्सेस। जो लोग चैप्टर का पॉइंट जो लोग पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ने के लिए इसका कुछ कंडीशन होता है। तो पहले से इसका हम लोग कंडीशन को समझ लेंगे, कंडीशन समझ लेंगे तो हम लोग इसको क्वेश्चन बनाने में मजा लगेगा, और कंडीशन ही नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं लगेगा। तो कहने का अर्थ क्या निकला कि कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जिस स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, वो एप्लीकेशन अपना खुद ही लिख लेता है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो एप्लीकेशन लिखने में कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का इसका कंडीशन को हम लोग डिलीट करते हैं। सबसे पहले इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, दो टू मैट्रिक्स लेंगे इसका, इसका ऑर्डर है एम बाई एन एंड बी बराबर जे ओके, जिस इसका ऑर्डर होगा एन बाई पी। आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा कि हम लोग लिखते हैं इसको इनटू में, पढ़ते हैं बाई में। अब दो मैट्रिक्स ले लिया गया, अब इसको गुना करना है, कंडीशन और थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, अब इसको गुना करना है। तो गुना करने का इसका कंडीशन क्या है, नियम क्या है, ये ध्यान देना है कि फर्स्ट का कोलम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में समझिएगा, फर्स्ट का कोलम और सेकेंड का रो जब मिल जाएगा तो गुना कर दिया जाएगा, और जब नहीं मिलेगा तो गुना नहीं किया जाएगा। तो एक बार फिर समझिए मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, फर्स्ट का कोलम और सेकेंड का रो जब मिलेगा तो गुना होगा, और जब नहीं मिलेगा तो गुना नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है फर्स्ट का कोलम और सेकेंड का रो जब इक्वल हो जाएगा तो एग्जिस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, एग्जिस्ट, और जब नहीं इक्वल होगा तो वहां लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख रहे हैं कि यहां फर्स्ट का कोलम और सेकेंड का रो इक्वल हो गया। अब कुछ अपने भाषा समझते हैं इसको, अपने भाषा में लैंग्वेज समझिए, घर वाला भाषा में, कि फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट मिल जाएगा तो गुणा कर देना। इसी चीज पर फोकस करो, यही चीज मैंने है, इसी किया तो समझ गया, कोई भी क्वेश्चन देगा यही कंडीशन उठाओगे कि फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट मिलाओगे तो गुना करना है, और जब नहीं मिलेगा तो गुना नहीं करना है। फिर समझ लो, फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट जब मिलेगा तो गुना करना है, और जब नहीं मिलेगा तो गुना नहीं करना है। और जब मिल गया, ये फर्स्ट का सेकेंड मिल गया, सेकेंड का फर्स्ट मिल गया तो गुना होगा। अब किस तो अब इसका क्या है, ये बस ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा, रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एम बाई पी। अब चलिए देन ए बी इज इक्वल लीजिए सी, अब इसका रो और इसका कोलम, रो यहां आई है, गुना कर दिए। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ये मिलता है फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट मिलता है तो गुना करते हैं। अब इसका ये ऑर्डर बन जाता है, इसका ए वाला क्या ऑर्डर बन जाएगा, यहां एम बाई पी। अब इसका वेयर CI N गुना कीजिए ना AIJ into K
के, क्योंकि यहाँ सिग्मा इसलिए दिया कि दोनों को गुणा करके बीच में जोड़ दिया जाता है। ये थ्योरी कंसेप्ट हुआ। मैं कंसेप्ट को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको याद रहे कि कंसेप्ट ही क्लियर होना, क्लियर करना है कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, जब मिलेगा तो गुना करना है और जब नहीं मिलेगा तो गुना नहीं करना है। तो याद रखिए इस पर यही बात पर हमेशा ध्यान देना, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट मिल जाएगा तो गुना कर देना है और जब नहीं मिलेगा तो गुना आपको नहीं करना है। अब इस पर कुछ मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्वेश्चन आगे बढ़ के क्वेश्चन लेते हैं कुछ इसका। इफ ए इज इक्वल टू 2, 3, 1 -1, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू -1, 2, 3, 1 फाइंड ए बी एंड बी ए। ये आपको क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू दिया हुआ, दो मैट्रिक्स दिया हुआ और ए बी निकालना है एंड बी ए निकालना है। अब करने से सोल्यूशन इसको देखिए, वी है एकदम तरीके से चलिए सोल्यूशन वी है। आप ए बी लिख लीजिए पहले 2, 3, 1 -1, 4, 5 -1, 2, 3, 1 अब चलिए ऑर्डर चेक कीजिए इसका, एक रो दो रो तीन रो, ध्यान से देखना, एक रो दो रो तीन रो, कॉलम एक कॉलम दो कॉलम, एक रो दो कॉलम। अभी कंडीशन इसका बताए थे, कंसेप्ट क्या बताए थे कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट मिल गया तो एटम गुना हो गया, इसको गुना करना है। फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट मिलेगा तो गुना करना है। अब गुना कीजिए इसको। अब गुना करने का नियम क्या बताए थे, इसका रो और इसका कॉलम गुना कीजिए, 2 × -1 प्लस -1 × 2 ये रो और ये कॉलम से हो गया, फिर यही रो और यही कॉलम से गुणा करना है, 2 × 3 प्लस -1 × 1 अब फिर देखिए, अब ये रो और ये कॉलम से, फिर ये रो से ये कॉलम से, 3 × -1 प्लस 4 × 2 फिर इससे 3 × 3 प्लस 4 × 1 बीच में प्लस देना है। आगे देखिए 1 × -1 प्लस 5 × 2 1 × 3 प्लस 5 × 1 फिर से रफली समझ लीजिए, ये रो और ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम से क्लियर कीजिए आप। यहां गुना कीजिए, 2 × 1 -1 हो गए, -2 हो जाएगा यहां, सॉरी, फिर यहां क्या होगा, बीच में प्लस है यहां, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां कितना होगा -2, फिर यहां कितना होगा -3, फिर यहां कितना होगा 4 है तो यहां कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 4 और 2 को गुना करते तो 8 होता है, फिर यहां गुना कीजिए कितना होगा -1, फिर यहां कितना होगा इसको गुना कीजिए 10, चलिए इसको गुना कीजिए कितना होगा 3 और
टू और थ्री को सिक्स, यहां कितना होगा माइनस वन, आप इसको कितना कीजिए नाइन, थ्री इंटू थ्री गुना करेंगे कितना नाइन होगा, फिर यहां कितना होगा फोर, फिर इसको गुना कीजिए थ्री इंटू वन कितना होगा थ्री, फिर इसको गुना कीजिए कितना होगा यहाँ फाइव, आप इसको ऐड कर दीजिए, आप सोल्यू क्लियर सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि माइनस टू और माइनस टू कितना होता है माइनस फोर, फिर यहाँ सिक्स में वन जाएगा कितना बचेगा फाइव, फिर इसको कितना होगा एट में माइनस थ्री चल जाएगा कितना बचेगा फाइव, नाइन फोर तेरह, और यहाँ कितना बचेगा नाइन, और यहाँ पांच फाइव फोर थ्री कितना एट। अब यहाँ देखिए इसका ये आंसर आंसर हो गया, चेक कीजिए पहले, क्योंकि बताए थे कि फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट मिल गया तो गुना हो गया बस। अब इसका क्या काम है, इसका भी तो कुछ काम होना चाहिए, तो इसका क्या ध्यान दीजिए, इसका क्या काम है कि जो बच जाता है यही ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, चेक कीजिए यही ना बच गया है, तो कितना एक रो दो रो तीन, यही ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, थ्री रो आएगा और कॉलम कितना होना चाहिए दो। तो बिना क्वेश्चन सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन करने के पहले हम लोग आंसर कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स वो पता चल जाता है, कैसे कि नियम कहता है कि फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट, तो मिल गया तो गुना हो गया। अब बात रहा कि कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, ये जो बच गया ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा थ्री बाई कितना टू, थ्री बाई कितना होगा टू, थ्री बाई टू का मैट्रिक्स, यही आपका आंसर होगा, मतलब फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट मिलेगा तो गुना करना है, और जो बच जाएगा ये वाला ये बच गया यही ऑर्डर का मैट्रिक्स आना चाहिए। देखिए यही ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, तो ये पहला क्वेश्चन ए भी निकल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया इसमें बी ए, अब बी ए निकालते हैं, बी ए निकाल लेता हूं एंड बी ए बराबर, इसमें दो क्वेश्चन था ए भी निकालना था बी ए, और बी ए का मान पहले लेना पड़ेगा माइनस वन टू थ्री वन टू थ्री टू थ्री वन माइनस वन फोर फाइव, कोई दिक्कत है इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहां चेक कीजिए एक रो दो रो, पहले गुना करने के पहले सुनो लोग क्या चेक करते हैं ऑर्डर चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर चेक किया जाए तो इसको ऑर्डर चेक कीजिए एक रो दो रो कॉलम यहां दो, ये काम हो जाएगा, फिर इसको भी चेक कीजिए एक रो दो रो तीन रो कॉलम चेक कीजिए यहां दो, अब चेक कीजिए इसको मिलाइए, अब कंडीशन क्या बताया था कैंसर, इसका कैंसर क्या बोला था कि फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का फर्स्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं नहीं मिल रहा है, तो गुना नहीं किया जाएगा, नहीं गुना किया जाएगा तो क्या होगा, ये आगे गुना इसका नहीं होगा, तो लिख देंगे सिर्फ हेंस, क्योंकि फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो नहीं मिल रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में डज नॉट एग्जिस्ट होता है, हेंस बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आगे बढ़ता हूं, तो मेरे ख्याल से क्लियर ही हो गया होगा, चलिए मैं एग्जाम्पल एक और ले लेता हूं कि आपको गुना क्लियर हो जाना चाहिए, आगे क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, if